जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जितने भी केंद्रीय कर्मी हैं, जवान हैं, पेंशन भोगी हैं और जितने भी सैलरी पाने वाले सर्विंग और रिटायर्ड पर्सन हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, और वो जानकारी है आपके इनकम टैक्स फाइल करने के संदर्भ में। क्योंकि हर साल, जैसा कि आप सभी जानते हो, 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट तारीख होती है। हालांकि अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें ये देखा गया है कि ये डेट एक्सटेंड होती रहती है, कभी कोविड की वजह से या कभी किसी और कारण से। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये तारीख आपकी आगे बढ़े, ये 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई को ध्यान में रखते हुए आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर भरें। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किस तरीके से आप छूट लेते हैं, 7.5 लाख रुपये तक की लेते हैं या फिर 9.5 लाख रुपये तक की लेते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और उसके बाद बताऊंगा कि कहां से, कब और कैसे आप अपना इनकम टैक्स फाइल करें। क्योंकि इनकम टैक्स जब भी आप किसी से भी भरवाते हो तो आपको उनके साथ अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट शेयर करना होता है, और जब आपका इनकम टैक्स सबमिट होता है तो उस समय आपको एक OTP इनकम टैक्स भरने वाले के साथ शेयर करना होता है। इसलिए जिससे भी आप इनकम टैक्स भरवाएं वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, और उसका डिटेल आपके पास होना चाहिए, कौन चार्टर अकाउंटेंट है, उसका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्या उसकी फर्म का नाम है, वो सारी चीज़ आप पक्का अपने पास रखें। और OTP शेयर करने से पहले ये ज़रूर देख लें मैसेज के ऊपर कि वो OTP क्या आपके इनकम टैक्स रिटर्न से ही रिलेटेड है या कहीं गलती से उसके चक्कर में आपसे कोई और OTP तो नहीं मांग लिया गया है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि ये छूट का प्रावधान कैसे है और किस तरीके से आप ये छूट ले सकते हो, ये देखिए। अब जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको 7.5 लाख तक कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि 7.5 लाख तक 0 टैक्स। अब आपको ना तो ये दिखाने की ज़रूरत है कि आपने कोई होम लोन लिया है, ना आपको ये दिखाने की ज़रूरत है कि आपने ATC के तहत कोई इन्वेस्ट किया है, किसी तरह का कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सीधे 7.5 लाख तक आपकी इनकम है तो आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। जब दोस्तों 7.5 लाख टैक्स ही नहीं है तो फिर ये क्या है, 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, और 6 लाख से लेके 9 लाख तक 10% टैक्स लगेगा। जब 7.5 लाख टैक्स ही नहीं है तो फिर ये क्यों? ये सब इसलिए है कि जब आप 7 लाख से ऊपर आपकी इनकम होगी तो उस कंडीशन में आप पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, और वो जो टैक्स लगेगा वो 3 लाख से 6 लाख के बीच में की जो आपकी आमदनी होगी उसके ऊपर आपको 5% के हिसाब से देना होगा, और 6 लाख से ऊपर 9 लाख तक जितनी भी आपकी आमदनी आएगी, यानी कि ये तब होगा जब आप 7 लाख से ऊपर हैं तब, तो आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना होगा। और इसी तरीके से 9 से 12 पर 15%, और 12 से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख और उससे ऊपर जितनी भी आपकी इनकम है उन सब से लिया जाएगा 30% का टैक्स। इस तरह से ये नए टैक्स का जो सिस्टम है ये अब देश में लागू हो गया है, और जो पुराना टैक्स सिस्टम था वो भी एग्जिस्ट है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। जो लोग उसको ऑप्ट करना चाहते हैं वो अभी भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा। उसको ऑप्ट करने के लिए आपको फॉर्म भरना होगा, एप्लीकेशन देना होगा। अब आपको उस पुराने सिस्टम में जाने की ज़रूरत क्यों है? जो लोग सभी तरीके की बेनिफिट्स लेते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट लेते हैं, होम लोन का बेनिफिट लेते हैं, प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट लेते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं उसका बेनिफिट लेते हैं, हेल्थ पॉलिसी का बेनिफिट लेते हैं, उनका जो बेनिफिट है वो पुराने सिस्टम में up to 9 लाख तक जाता है, 9,50,000 तक वो सेव कर सकते हैं। तो ऐसे जो एम्प्लॉय हैं जिनके पास ये सारे ऑप्शन हैं
वो अभी भी वो पुराने सिस्टम को ऑप्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। नए सिस्टम के हिसाब से अब यही पॉलिसी है, 7.5 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपके पास कोई टैक्स नहीं है और आपको कोई एविडेंस सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 7.5 लाख ऊपर है तो फिर आपको इस परसेंटेज के हिसाब से टैक्स देना होगा और यहाँ पर भी आपका फायदा है। वो फायदा क्या है वो देखिए दोस्तों दूसरी टेबल के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों इस टेबल के मुताबिक 0 से 3 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं है, पहले आपसे टैक्स लिया जाता था 2500 रुपये, तो आपको फायदा हो रहा है 2500 रुपये का। दूसरा 3 से 6 लाख तक अब जो आपसे टैक्स लगेगा वो लगेगा 15000 रुपये, जबकि पहले लगता था 22500 रुपये, तो यहाँ पर आपको 7500 रुपये का फायदा हो रहा है। आगे 6 लाख से 9 लाख के बीच में अब आपसे 45000 रुपये टैक्स के रूप में लिए जाएंगे, जबकि पहले वाले टैक्स के हिसाब से आपसे लिए जाते थे 60000 रुपये, तो यहाँ पर भी आपको 15000 रुपये का फायदा हो रहा है। 9 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में अगर आपकी आय है तो अब टैक्स के मुताबिक आपसे लिए जाएंगे 90000 रुपये, जबकि पहले 1,15,000 रुपये लिए जाते थे, तो यहाँ भी आपको 25000 रुपये का फायदा हो रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों 12 लाख से 15 लाख जिनकी आय है उनसे लिए जाएंगे 1,50,000 रुपये अब आज के हिसाब से, जबकि पहले आपसे यहाँ लिए जाते 1,87,500 रुपये, तो यहाँ पर भी आपको 37,500 रुपये का फायदा हो रहा है। इस तरीके से ये जो नए टैक्स सिस्टम आया है अभी इसमें आपको फायदा हो रहा है और सभी को फायदा हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने जाना कि किस तरीके से आप 7.5 लाख या 9.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हो। अब देखिए ये मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो कि ऑथेंटिकेटेड सब यहाँ पर आपके सामने है। ये आपके सामने है अल्केश पाटिल एंड कंपनी, ये उनका एड्रेस है और यहाँ पर आप देखेंगे तो उनका ये डिटेल ऑफ आवर फर्म इज एज बिलो, उन्होंने अपना नाम, प्रोप्राइटर फर्म, उसका आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, उसके पैन कार्ड का नंबर और उनकी मेंबरशिप नंबर, तो ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ है, क्योंकि जब आप यहाँ इनके थ्रू कोई काम कराएंगे तो ये हैं आपके डॉक्यूमेंट के लिए उसके सब के लिए रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। अब ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आपको OTP मिलेगा और जहाँ से आपने इनके माध्यम से आपने जो अपना ITR फिलअप करवाना है। ये मैं डॉक्यूमेंटेशन सारा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से अपना और अपने जान पहचान वालों के काफ़ी लोगों का यहाँ से सर्विस लेते आ रहा हूँ। अब आपने करना क्या है वो आगे देखिए। देखिए ये एक फॉर्म है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। जब आप वहां जाएंगे तो यहां पर देखिए ये है ITR फिलिंग सर्विस फॉर एक्स सर्विसमैन इन कोलाबरेशन विद सैनिक वेलफेयर न्यूज। जब मैं अपना नाम दे रहा हूं तो ये मेरी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जिसके थ्रू ये काम करवा रहा हूं उसके ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी जानकारी आप तक शेयर करूँ। अब यहाँ पर आपने पहले इस कॉलम में अपना नाम लिखना है, दूसरे कॉलम में आपका मिडिल नेम आएगा, यहाँ आपका लास्ट नेम आएगा और फिर आपने अपना पैन कार्ड नंबर, इधर आपने अपना आधार नंबर फिलअप करना है, उसके बाद आपका जो आधार कार्ड के साथ फ़ोन नंबर है वो नंबर आपने यहाँ पर फिलअप करना है। फॉर्म 16 जो कि सर्विस वाले हैं उनके पे अकाउंट ऑफिस से मिलते हैं, जो पेंशनर हैं जहाँ बैंक से पेंशन आती है वहाँ से उनको फॉर्म 16 मिलते हैं, और जो डिफेंस पेंशनर अब इस पर्स में माइग्रेट हो गए हैं उनको इस पर्स की तरफ से फॉर्म 16 मिलता है, वो मई के महीने में आने शुरू हो जाते हैं तो वो आपके आते हैं, वो फॉर्म 16 आपने सबमिट करना है। और ये आपका हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट अगर आपका कोई है, हाउस लोन है, तो वो आपने यहाँ पर अटैच करनी है फाइल। अदर इंटरेस्ट इनकम सर्टिफिकेट अगर कोई और है तो वो भी आपने यहाँ पर अटैच करना है, और ऑप्शनल कोई अटैचमेंट, कोई और डॉक्यूमेंट आपके पास है जो जिसमें आपको रिबेट मिलना है, जैसे कि आप 9.5 लाख रुपए तक की छूट पे जाते हैं और ऐसा कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है तो उसको यहाँ पर अटैच करना है।
एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस का हो गया, हाउस रेंट का हो गया, इस तरह का जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपने यहाँ पर अटैच करना है। और इसके लिए जो सर्विस चार्ज है या कहिए सुविधा शुल्क है वो है 499 रुपये, और वो आप ये QR कोड दिया है इसके ऊपर जाके आप उनको पे कर सकते हो जब ये फॉर्म भरेगा यहाँ से। इस तरीके से आपका ITR फॉर्म भर जाएगा और इसको जब आप यहाँ नेक्स्ट करेंगे उसके बाद ये सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी, इस गूगल फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अपना भरवा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये थी जानकारी आज की आपके लिए इस वीडियो में, फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।